जस्टिस आगा हैदर। दोस्तों इनको तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, इनके नाम कुछ ऐसे खिताब शामिल हैं जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये वो जज साहब है जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने के बजाय अपना इस्तीफा अंग्रेजी हुकूमत को सौंपकर हिंदुस्तानी वजूद का एहसास कराया था। दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को शहीद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली हॉल में बम फेंका और आजादी की अलग जगाने वाला नारा लगाया। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा मुकदमा दायर किया गया जो लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। सहारनपुर निवासी जस्टिस आगा हैदर ट्रिब्यूनल में मात्र एक भारतीय सदस्य थे जबकि बाकी सब अंग्रेज थे। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को सजा सुनाई कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी द्वारा मृत्यु दंड दिया जाए। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले पर जस्टिस आगा हैदर को हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यह अनुचित और एक तरफा निर्णय था। अंग्रेजों के दबाव पड़ने पर जस्टिस आगा हैदर इस नाइंसाफी का हिस्सा बनने के बजाय इस्तीफा देने का फैसला लिया और अपने देश की आज़ादी की खातिर न्यायमूर्ति के पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में अंग्रेजों ने न्यायाधीश सादीलाल से मृत्युदंड के आदेश पर हस्ताक्षर कराकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी पर लटका दिया। इस नाइंसाफी और कुकृत के लिए सादीलाल को शर की उपाधि और एक बड़ी जायदाद से नवाजा गया। सामली शुगर मिल और पिलखनी डिस्टलरी उसी जायदाद का हिस्सा बताया जाता है। हम भारत के सच्चे सिपाही और आज़ादी के गुमनाम नायक मेरे सहारनपुर के गौरव माननीय न्यायमूर्ति आगा हैदर को सलाम करते हैं।